हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल। आप बैंक में अपना पैसा रखकर ये मानते होंगे कि आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक में रखा हुआ आपका पूरा पैसा, पूरा जमा पैसा सुरक्षित नहीं है? हालांकि इस बात की जानकारी बैंक आमतौर पर आपको नहीं देते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं इससे संबंधित नियम और बैंकों की तरफ से बनाए गए रूल्स, यानी कि इन रूल्स के हिसाब से आपका बैंक के अंदर रखा हुआ पूरा पैसा सेफ और सुरक्षित नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि कितना पैसा आपका बैंक के अंदर रखा हुआ सेफ होता है, सुरक्षित होता है, और अगर आपका पैसा बैंक के अंदर सेफ नहीं है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से अपना बैंकों के अंदर पैसा रखना है ताकि वो पैसा सेफ और सुरक्षित हो। तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहिएगा इस वीडियो को आखिर तक। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आपका कोई भी सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए फ्रेंड, जानते हैं कि बैंक में कितना पैसा हमारा सेफ होता है, सुरक्षित होता है, और यदि हमारा पैसा सुरक्षित नहीं होता है तो हमें बैंकों में किस तरीके से पैसा रखना चाहिए ताकि हमारा पैसा सुरक्षित हो। तो आपको बता देते हैं कि बैंकों में अकाउंट होल्डर्स का जो पैसा होता है वो पैसा केवल 1 लाख रुपये तक का ही जमा पैसा सुरक्षित होता है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही शामिल किए जाते हैं। आप इसको इस तरीके से समझकर चलिए कि अगर आपका 80,000 रुपये मूलधन है और 20,000 रुपये आपका ब्याज है तो आपका पूरा पैसा सुरक्षित है, क्योंकि वो 1 लाख रुपये हो जाता है। लेकिन अगर आपका बैंक में 1 लाख रुपये जमा है और 20,000 रुपये उसमें ब्याज है तो आपका केवल 1 लाख रुपये ही सुरक्षित माना जाएगा, और जो आपका 20,000 रुपये होगा वो बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका एक SBI में 1,20,000 रुपये है तो आपका 20,000 रुपये सुरक्षित नहीं है और 1 लाख रुपये सुरक्षित है, तो आप SBI की दूसरी ब्रांच में आपका कोई अकाउंट है, या फिर आपके SBI की 2-3 ब्रांच में अकाउंट है और सब में आपका एक लाख बीस हज़ार रुपये रखा हुआ है, तो क्या आपका तब भी पैसा सुरक्षित नहीं है? तो हाँ, आपका पैसा केवल एक ही बैंक का, एक ही ब्रांच का 1 लाख रुपये सुरक्षित माना जाएगा। बाकी जितने भी ब्रांच में आपके 1,20,000 रुपये हैं, 1,20,000 रुपये हैं, वो सुरक्षित नहीं माने जाते हैं, क्योंकि RBI के नियमों के अनुसार हर व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा बैंकों में अपना अकाउंट रखता है तो उसका हर बैंक में 1 लाख रुपया ही सुरक्षित माना जाएगा। बस शर्त यह है कि वो हर बैंक अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि एक अकाउंट SBI में, एक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, एक बैंक अकाउंट किसी और ब्रांच में। अगर आपका अलग अलग बैंक में एक एक अकाउंट है तो हर बैंक में आपका 1,00,000 रुपया ही सुरक्षित माना जाता है। ये RBI के रूल्स के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। तो यदि आपका हर अलग अलग बैंक में एक एक अकाउंट है तो आपका हर बैंक के अंदर कम से कम 1,00,000 रुपया सुरक्षित माना जाएगा। यदि आप हर बैंक में 1,00,000 रुपया से ज़्यादा रखते हैं तो आपका 1,00,000 रुपये से जितना भी ज़्यादा पैसा है वो RBI के नियमों के अनुसार सुरक्षित नहीं माना जाता। तो आपको इसके नियम भी बता देते हैं। अगर आपका एक अकाउंट सिंगल नाम से है और दूसरा अकाउंट ज्वाइंट नाम से है जिसमें आपका पहला नाम है, तो ये दोनों अकाउंट एक ही माने जाएंगे। इन अकाउंट में कुल जमा जो राशि है उसको एक व्यक्ति का ही जमा माना जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंगल नाम से एक अकाउंट है और दूसरा अकाउंट आपका ज्वाइंट नाम से है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में अपना आपका जो पूरा नाम है वो दूसरा नाम है, तो ये अकाउंट आपका नहीं माना जाएगा। तो यदि अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो इसी नियम से आपको क्लेम दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि किन हालात में ये नियम लागू होते हैं। हालांकि भारत में बैंकों के डिफॉल्ट होने का कोई भी इतिहास नहीं है। कुछ बैंक दिक्कत में आए तो हैं, लेकिन सरकार ने तेज़ कार्रवाई करके उनका किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने दिया है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि कई छोटे छोटे बैंक कर्जे में डूब गए तो सरकार ने उन बैंकों को मर्जर कर बड़े बैंकों के अंदर शामिल कर दिया, ताकि किसी भी तरीके से कस्टमर्स को नुकसान किसी तरीके का ना उठाना पड़े। तो आप ये मानकर चलिए कि किसी भी देश में यदि कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसकी लीगल पोजीशन आपको बताते हैं कि वो क्या होती है। उसका जो बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ है, उस बैंक के अंदर जिस भी व्यक्ति का 1,00,000 रुपये से ज़्यादा पैसा जमा है, तो वो सारा पैसा बैंक अपना, बैंक का जो नुकसान हुआ है उस बैंक के भुगतान में, अपना कर्जा चुकाने में लगा देता है।
तो बैंक होल्डर का जो, जैसे कि मानकर चलिए कि मेरा बैंक में अकाउंट है तो मुझे 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, और मेरा अगर 1 लाख रुपए से ऊपर जितना भी पैसा है वो बैंक अपना कर्जा चुकाने में लगा देता है। ये सारे के सारे नियम हैं, लेकिन बैंक ये इन नियमों को अपने कस्टमर्स को कभी भी नहीं बताता है। तो फ्रेंड, यदि आपका भी एक बैंक के अंदर अकाउंट है तो वैसे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि अभी तक भारत के अंदर किसी भी बैंक के डिफ़ॉल्ट होने का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है। लेकिन अगर भविष्य में कभी भी कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो RBI के नियमों के अनुसार बैंक के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर जितना भी पैसा होगा, जिस भी अकाउंट होल्डर का पैसा होगा, वो सारा 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को देकर बाकी जितना भी पैसा होगा बैंक अपना जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर जो कर्जा है उसे चुकाने में लगा देता है। आई होप फ्रेंड कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो ये जानकारी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। बैंक से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन जानकारी के वीडियो देखने के लिए आप हमारी बैंक की ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आपका कोई भी सुझाव हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।